मित्रों, एक ऐसा भयंकर और शक्तिशाली राक्षस जिसको मारने से हमारे हिंदू देवता भी काफी सोचते हैं, क्योंकि एक ऐसा राक्षस था जिसकी खून की बूंद जमीन को छूते ही एक नई इसके जैसा शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाता। जब देवी दुर्गा इस राक्षस को मारने की प्रयास कर रही थी, तब राक्षस की प्रत्येक खून जमीन को छूते ही एक नई शक्तिशाली राक्षस और नई खतरा पैदा कर रही थी। मेरे मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ एक शक्तिशाली और भयंकर राक्षस रक्तबीज की। मित्रों, जितना अधिक रक्तबीज पर हमला किया गया, वे उतना ही शक्तिशाली बनता चला गया, जिसके चलते हर कोई इससे लड़ने काफी सोचने लगे। मित्रों, जब रक्तबीज देवताओं और मनुष्यों को तंग करना और सभी चीजों को नष्ट करना शुरू किया, तो सारे देवी दुर्गा से मदद मांगी, जो अपनी अपार शक्ति के लिए जानी जाती थी। मित्रों, देवी दुर्गा मदद करने के लिए तैयार हुई और अपने शेर पर सवार होकर हथियारों से रक्तबीज के साथ भयंकर युद्ध करने लग गई। जैसे ही देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर हमला करने लगी, तो उन्हें महसूस हुआ कि रक्तबीज अपनी खून की बूंदों से और शक्तिशाली हो रहा था। मित्रों, तब देवी दुर्गा ने माता काली को बुलाया, जो देवी की एक रुद्र रूप था, जो रक्त पीने के लिए जानी जाती थी। मित्रों, काली देवी दुर्गा की माता से प्रकट हुई और रक्तबीज की खून से बनी रूपों को मारने लगी, और राक्षस की खून जमीन को छूने से पहले ही और काली द्वारा पी गई रक्त के प्रत्येक बूंद के साथ रक्तबीज कमजोर हो गया, और अंततः देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज का वध कर दिया। मेरे मित्रों, दुर्गा और रक्तबीज की कहानी बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। ऐसे और अमेजिंग सनातन धर्म की जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे मित्रों, ऐसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर जरूर देख लीजिएगा।